and welcome back to another video tutorial from PM by Prashna Academy. जो टी अपने मानुको provide कर रहे थे total free education, free notes, free books, free materials, free MCQs, each and everything is free, free, free. So आज ही हमें start करेगा mRNA, rRNA and tRNA भी सारे all over RNA भी सारे. DNA already हमें complete कर दिया आज का thumbnail देखिए समझते clear है set पे क्या जाने RNA पढ़ेगा. लॉकिंग कुछ आप आएं किसी किसी class में break कर देते थे करना side रे बहुत जोर से mic पे बजो थला सेट पे recording करने बिल्कुल भी possible ना थला and दो तीन दिन gap परे आज मैं start करूँ ची RNA. आज मैं RNA पढ़ेगा RNA structure देखेगा types देखेगा तब इस रिटिके टिके जाने बा next class रो हमें बहुत details पढ़ेगा transcription translation reverse transcription then हमारे protein synthesis and everything पढ़ेगा replication बहुत की चीज़ हमारे cover करने वाला ची and खुद शीघ्र हम cover कर देंगे don't worry. आज जो पूरा regular class था जो जेम्टी हमें साढ़े सत्रह रो आठ भीतर वीडियो आसला ठीक सेमती साढ़े सत्रह आठ भीतर डेली वीडियो आसवा कथा आसवा एंड आपण माने जेम्ती देखुथले रेगुलर बेसिस रे क्लासेस सेमती रेगुलर बेसिस रे क्लासेस देखिबे जेम्ती नोट्स बनाउथले सेमती नोट्स बनेबे एंड यस 110 नोट्स ऑलरेडी मो प्रोवाइड कर दे छी. आई होप कि समस्त को डाउनलोड करे कि लिखि देथिबे नोट्स जम्मा भी प्रिंट बाहर करनथु कि आइना प्रिंट बाहर करले अड़सवा हे जेबे कोड कोड प्रोनाउंसिएशन छाड़ी जेबे कोड स्पेलिंग कोन छ जानि परिबे नि तो से सब विषय अवेयर हवा पई नोट्स लेखंतु जमा प्रिंट मार कर दे कि इजी वे रे बस जानतु नि टाइम पर बहुत अछि हम पाखरे फिफ्थ सेमेस्टर पई एबे टू प्रिपेयर होंतु डिसेंबर लास्ट को धरने तो एग्जाम हम से अनुसार समस्त प्रिपेयर हवा स्टार्ट कर दियंतु एंड मु सब बेले को जहां भी मु एठी लेखो छि एटा गोटे रफ वे रे मु लेखो छि मन रखे पई इजी हवा से पे मु सब लेखा करू छि नोट्स बहुत भल भाव में अपलोड कर देती जोटा कि आपको एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम लिखार अच्छी बट मुंडे जो जिन प्रिंट होती सब जिन लिखुची या लिखि रखु. ओके क्लास स्टार्ट करें वीडियो भल लगे लास्ट टी लाइक करदे जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे रेड कलर बटन को प्रेस करके एंड प्लीज समस्ते जिते पार्टी सारा ओडिशा सेयार करूँ सब पाला सेयार करूँ वीडियो से अवेयर हूँ से जानते मॉलिक्युलर बायोलॉजी क्लास चलती एमती आपने सब कन्सेप्ट क्लीयर कर कॉन्सेप्ट क्लियर करंतु. ओके स्टार्ट करबा तले आरएनए डीएनए में पढ़ते थे डीएनए कौन थिला ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड थिला आरएनए कौन ना राइबो न्यूक्लिक एसिड. फुल फॉर्म मन रखिबे फुल फॉर्म मन रखिबा निहत दरकार एग्जाम रे गोटे मार्क रो क्वेश्चन श्योर आसे फुल फॉर्म रे आइदर 1.5 मार्क्स रे आसे परे किबा 1 मार्क रो जो फिल इन द ब्लैंक्स आसे सेतिर मध्य आसे परे इवन आपन कर एंट्रेंस रे मध्य आसे एम्ति टाइप रो टिके इजी इजी क्वेश्चन आपन बाबू तो एते इजी क्वेश्चन हां गोटे गोटे इजी क्वेश्चन आसे सब डिफिकल्ट क्वेश्चन आस पार मान ना गोटे गोटे इजी क्वेश्चन आसे एंड या भूल करके आसे डीऑक्सी जगह कई कई बायोक्सी भाभी दिखती डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कई कई जन बायोक्सी भाभी दिखती सो डी फुल फॉर्म भूली जाती कई कई राइबो न्यूक्लिक एसिड ही भूली जाती तो ये सब बहुत छोट छोट जिन माइनर जिनस कि मैंने मन रखा दरकार. ओके तो आरएनए कौन ना राइबो न्यूक्लिक एसिड देन ये कोथरे दिया रही थी आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डेफिनेशन मस्ट मन रखे बिकॉज डेफिनेशन 1.5 मार्क क्वेश्चन श्योर ऐसे डीएनए रे कौन डेफिनेशन आरएनए रे कौन डेफिनेशन व्हाट इज डीएनए पके देबा कोटे जोथरे आपण मन को केवल डेफिनेशन लिखि वाला छै ठीक समती आरएनए व्हाट इज आरएनए ये मतलब कोटे डेफिनेशन सो डेफिनेशन मस्ट मन रखिबे ये हो जे डेफिनेशन सो आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आम डीएनए कौन पढ़ते डीएनए आइदर सिंगल स्टैंडर्ड रोज या तो डबल स्टैंडर्ड रोज डीएसडीएनए कहते कि आरएनए कौन आरएनए रे कौन सी प्रकार डबल स्टैंडर्ड देखा ही जाए ना ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड होता है सिंगल स्टैंडर्ड मीन ए टाइप ये हूँ आरएनए. सो हियर चागर्स रूल एंड बेस पेयर रूल इज नॉट एप्लीकेबल आम जो डीएनए पढ़ते हमें दुटा रूल विषय में पढ़ते गोटे हूँ चागर्स रूल आ गोटे हूँ बेस पेयर रूल तो चार्गोप्स रूल बेस पेयर रूल हमें कौन पढ़ते ना एटीसीजी जो पेयरिंग होची सेटा हमें चार्गोप्स रूल एंड बेस पेयर रूल ले पढ़ते एठी तो डीएसडीएनए ही प्रेजेंट नहीं तो एटीसीजी रो बॉन्ड आसीबो को ऑफ कोर्स है ही परिबने. सो हमें चार्गोप्स रूल ले कौन पढ़ते ना चार्गोप्स रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जदि चार्गोप्स रूल एंड बेस पेयर रूल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एप्लीकेबल होनी ताले आरएनए पाई केमती एप्लीकेबल हबो ओबियसली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सो आरएनए पाई मध्य चार्गोप्स रूल एंड बेस पेयर रूल एप्लीकेबल नुह ये मते एमसीक्यूज क्वेश्चन आसे परे चार्गोप्स रूल इज एप्लीकेबल फॉर और नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट मध्य पचारथिबो सो नॉट केबे भी इग्नोर करबेन क्वेश्चन को बारंबार पढ़िबे चार्गोप्स रूल एंड बेस पेयर रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डीएनए डीएसडीएनए एंड एसएसडीएनए आरएनए
और ऑल ऑफ दिस ए टाइप रो गोटे क्वेश्चन है कि आसी थिबो सो आपण देखिबे कोटा ठीक पचारे छि क्वेश्चन से अनुसार कोटा ठीक आंसर हबो सेही अनुसार आपण आंसर ऊपर क्लियर क्लिक करिवे तो बिल्कुल भी हड़बड़ी है कि आंसर ऊपर क्लिक कर देबेनी देखिबे कोन क्वेश्चन पचार छि सेही अनुसार आंसर लिखिबे ओके सो हम कौन देखले ये हो जे हमर सिंगल स्टैंडर्ड एंड या पई हमर चार बॉक्स रूल बेस पेयर रूल एप्लीकेबल ही नहि नेक्स्ट आरएनए केते प्रकार तीन प्रकार बहुत भला भी जानछन तीन प्रकार आरएनए देखा जाय कोन देखा जाय ना एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए कोन मेसेंजर आरएनए आरआरएनए कोन राइबोसोम आरएनए एंड टीआरएनए कोन ना ट्रांसफर आरएनए याको एमे तमे काहे की कहउछन्ती सो एमआरएनए मेसेंजर आरएनए ये कोन करो जे मेसेंजर मींस गोटे जगह रो आ गोटे जगह को जे कैरी करिके निए ताको हमें मेसेंजर बोली कहितांती सो एठे मेसेज से कोन करो जे ना डीएनए पाखरो किछि मेसेज नै कि प्रोटीन सिंथेसिस करे बारे हेल्प करूची सो ओवरऑली हमें कहि परबा जे एमआरएनए रो काम होची प्रोटीन सिंथेसिस करेबा मो फर्स्ट क्लास रो कहि प्रोटीन सिंथेसिस को हमें कोन कहंती ना ट्रांसलेशन बोली कहितांती एमआरएनए सिंथेसिस को हमें ट्रांसक्रिप्शन बोली कहितांती प्रोटीन सिंथेसिस को हमें ट्रांसलेशन बोली कहितांती डीएनए रो आरएनए फॉर्मेशन होबा बा एमआरएनए फॉर्मेशन होबा होची ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थ्रू एमआरएनए डीएनए रो प्रोटीन सिंथेसिस होबा होची ट्रांसलेशन प्रोसेस सो एमआरएनए कोन करूची ना डीएनए रो इन्फॉर्मेशन कैरी करे के राइबोसोम पाको को नोची एंड राइबोसोम रे ही प्रोटीन सिंथेसिस होची सो प्रोटीन सिंथेसिस को हमें ट्रांसलेशन बोली कहउचंती सो थ्रू एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स ओके नेक्स्ट कोन देखबा आरआरएनए जक हमें राइबोसोमल आरएनए बोली कहउचंती राइबोसोमल आरएनए रो काम कोन ये माध्यम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करूची केमिति हेल्प करूची त हमें प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखबा त टोटल मेकानिज्म देखबा एबे बस गोटे गोटे लाइन नाम में जानिबा जे मानकर कोन कोन फंक्शन रहिची फर्स्ट हमें देखले एमआरएनए फंक्शन आरएनए कोन करछी ना इट ओनली हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस देन टीआरएनए कोन सेम ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट वेयर द प्रोटीन टू बी सिंथेसाइज्ड एठी हमें सिंपली वे लिख देले जे डीएनए रु एमआरएनए थ्रू रे प्रोटीन सिंथेसिस होची आरआरएनए हमर प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करची टीआरएनए मध्ये प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करची किंतु केमिति हेल्प करची अमीनो एसिड को ये कैरी करची मेसेंजर जहां ट्रांसफर सेया सपोज मु वर्तमान किछि जिंस आउ जण को देबी भाईया देबी मु डायरेक्ट दबे अलग कथा किंतु भाईया देबी जहां द्वारा देबी ताको हमें मेसेंजर बोली कहउ चंती सो एठी मेसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करूची राइबोसोमल आरएनए भी हेल्प करूची ट्रांसफर आरएनए कोन करूची से सेम मेसेंजर टाइप रो ही काम करूची किंतु कोन करूची ना अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म रो बॉडी रे जो साइटोप्लाज्म रहिचे साइटोप्लाज्म रो राइबोसोम पाखु को बा हमर कोठी के नेके जाउचे जोटी प्रोटीन सिंथेसिस होउची प्रोटीन सिंथेसिस कोठी होचे राइबोसोम रे ही होचे हमरा प्रोटीन सिंथेसिस सो हमरा साइटोप्लाज्म रो राइबोसोम पर्यंत अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करे बारे हेल्प करूची एंड प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करूची ओके ताले बे समस्ते क्लियर एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए रो कोन कोन सिंगल लाइन ने फंक्शन रहिचे जान देलाबे नेक्स्ट एमआरएनए को किए देखले ना जैकब एंड मोनाड देखले दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमें फास्ट का विषय पढ़िबा एमआरएनए विषय रे पढ़िबा एमआरएनए कोन यार स्ट्रक्चर केम देछे को के डिस्कवर करथले प्रथम हमें एमआरएनए रो स्टार्ट करबा सो एमआरएनए प्रथम किए देखले ना जैकब एंड मोनाड दिस जण साइंटिस्ट से माने प्रथम एमआरएनए को देथिले सो दे गेव द आईडिया ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम which helps in protein synthesis that molecule is mRNA mote short form re likh dei chi gote rmr karke dna ru mrna through re protein synthesis ho chi to eti pura gote line ne mu jaha jaha vartaman theory kahili sei same thing sei eti lekha hai chi kon lekha hai chi mu kon kahili na dna ru information carry ho chi protein synthesis kodi ho chi site of protein synthesis is ribosome ribosome re protein synthesis by translation ho chi so mrna kon kar chi dna ru ribosome paryanta जो सब इनफॉरमेशन कैरी होची एमआरएनए थ्रू रे ही होची सो दे गिव द आईडिया ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इनफॉरमेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस दैट मॉलिक्यूल इज एमआरएनए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याको मध्ये डेफिनेशन ने इंक्लूड हे परिबो जति व्हाट इज एमआरएनए पचरा होची जति 3 मार्क्स क्वेश्चन ने पचरा 1.5 मार्क्स रे जति आछी व्हाट इज एमआरएनए तले केवल ए गोटे लाइन लिख देबे एंड थ्री टाइप्स अछि एमआरएनए आरएनए टीआरएनए दैट्स इट 1.5 मार्क्स पई जदि 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आछि व्हाट इज एमआरएनए सॉरी व्हाट इज आरएनए तो फास्ट लिखबे आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रहइबो ए पॉइंट रहइबो सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट रहइबो 3 टाइप्स एमआरएनए आरएनए टीआरएनए एंड नेक्स्ट पॉइंट रहइबो दिस इज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनाड एंड अकॉर्डिंग टू देम
मॉलिक्यूल विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस दैट मॉलिक्यूल इज एमआरएनए। ये रहिबो 2 मार्क्स किबा 3 मार्क्स रो जदी क्वेश्चन आछि तले इतिके लिखिबे आपनको कंप्लीट 2 टू 3 मार्क्स मिल जइबो जहां भी क्वेश्चन पचरा आइथि से आंसर आंसर लिखले कंप्लीट मार्क मिल जइबो 0.5 मार्क भी कटिबनी। ओके नेक्स्ट देखिबा एटा मे देखु जंती केमिति हमर जैकब और मोनाड को थ्रू रे हमर केमिति डीएनए रो आरएनए कन्वर्जन होछि। सो मु ए बेस पेयर ता आपन मन को डीएनए पढौथिली सतेबेले मध्य कहि देथिली ए एटीसीजी गुडा को केमिति कन्वर्जन होछि। आमे जानि जंती आरएनए रे हमर कोन अछि ना यूरासिल प्रेजेंट अछि कहा बदल रे प्रेजेंट अछि ना टी बदल रे हमर यू एठी रिप्लेस होछि। तो ए हमर कोठ के रिप्लेस होला टी को माने ए सहित टी बेस पेयर होतला किंतु त हमर डीएनए रो आरएनए कन्वर्जन होछि हमर थायमिन बदल रे यूरासिल रहूछि। सो ए जतेबेले टी को कन्वर्ट हबो आरएनए बेले ए यू को कन्वर्ट हबो ना कि टी को कन्वर्ट हबो। सो देखि दियंत एठी हमर डीएनए रे कोन अछि ए टी सी जी ए जी सी टी ए टी जदि हम डीएनए रो डीएनए करथांत कोन हेतांता ए बदल एठी हमर टी लागि थांता किंतु एठी हम डीएनए रो आरएनए करचोति जदि आरएनए रे बेस पेयर होछि ताले कोन हबो ना ए बदल एठी यू हबो ए रो एठी टी बदल रे यू आसि जइबो। एटा होछि तारा एक्सेप्शन माने थायमिन बदल रे यूरासिल हबो एठी टी हबा कथा एठी यू होछि किंतु थायमिन जतबेले बेस पेयरिंग करछि एठी एडेनाइन होछि एडेनाइन एठी यूरासिल होनी। एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस समस्त मैक्सिमम कंफ्यूज हे जंती जे ए टी सहित बेस पेयर होछि टी ए सहित बेस पेयर होछि जतबेले हमर एठी ए आउ टी रहूछि या सहित बेस पेयर हेला बेले ए जगह यू लगे मैं टी जगह यू लगे। सो सब मन रखी ए जो बेस पेयर हो आरएनए रे डीएनए रो आरएनए को कन्वर्ट हो ए यू रे कन्वर्ट हम ना कि टी यू रे कन्वर्ट हम टी ए सहित बेस पेयर कर ए यू सहित बेस पेयर कर ये सब मन रखी ए आउ टी बेस पेयर टी आउ ए बेस पेयर कि आरएनए रे कन्वर्सन होगा बेले ए यू सहित बेस पेयर कर टी आज यूजुअल ए सहित बेस पेयर कर से डीएनए हो आरएनए हो टी ऑलवेज पेयर्स विथ एडेनाइन दैट मीन्स थायमिन ऑलवेज पेयर्स विथ एडेनाइन बट इन केस ऑफ आरएनए एडेनाइन रिप्लेस बाय थायमिन टू यूरासिल। ओके एडेनाइन कहाँ सहित रिप्लेस हो कर ना यूरासिल सहित रिप्लेस तार बॉन्ड फॉर्मेशन कर यू है टी ए सी जी जी सी ए यू फेर ये आसा एक्सेप्शन सी जी रे तर बेस पेयर करे जी मध्य सी सहित बेस पेयर करे से सेम रही ए एठी यू सहित बेस पेयर कला ठीक से जी सहित सी सी सहित जी टी सहित ए एठी पुणी थे ए सहित यू आस बेस पेयर कला ये मध्य हूँ हमर एक्सेप्शन रूल। एठी गोटे हमर जो स्ट्रैंड देखछन ती हमर तीन थरा ए अछि तो तीन थरा ए जतबेले बेस पेयर करछे तीनटा यू सहित से बेस पेयर करछे आ ए जो जिंसटा को के देथिले ना जैकब एंड मोनाड देथिले दिस इज हाउ द एमआरएनए सिंथेसिस ऑकर ए बाय सी माने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू जैकब एंड मोनाड दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि हमर आरएनए रे केमिते बेस पेयर होछि ए जगह रे कि आसुची बेस पेयर हवा पाई ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मन को केमते क्वेश्चन पचार थिबो नै भले स्ट्रैंड दे थिबो चारटा एमसीक्यू क्वेश्चन एंट्रेंस रे एमति पचारे एटा इजी क्वेश्चन पर जदे आपण माने कंफ्यूज थिबे तहले करि परबेनी कोन करथि माने चारटा एमति के स्ट्रैंड दे थिबो पचे थिबो व्हिच कोडन इज फॉल्स व्हिच कोडिंग इज फॉल्स त एडी कोन करथि माने ए बदल यू न दे के सपोज एटी टी दे दे थिबो जदे आपण माने भलो से मार्क न करिवे गोटे गोटे लिखे देते तो मैंने भूल हो तो आप मार्क करार अच्छे डीएनए रो डीएनए कन्वर्सन हो डीएनए रो आरएनए रे कन्वर्सन हो जब डीएनए रो आरएनए कन्वर्सन हो जगह यू अच्छे ना नहीं बस एति मार्क करदे एति मार्क कर क्लिक करेंगे कौटा रईट अप्सन पचार व्विच वन इज फल्स जोटा फल्स पचारक हिं देखिए जब पचार व्विच वन इज ट्रु तेल देखिए कौटी ए जगह यू कोडन हो। ओके नेक्स्ट जी डीएनए हाज बोथ कोडिंग एंड नन कोडिंग पार्ट एवं आस कोडिंग कौन नन कोडिंग कौन सपोज कोडिंग को आम कह फंक्शनल नॉन कोडिंग को कह नॉन फंक्शनल जमीक आम घरे बहुत किसी जिनस अच्छी कि जिनस अच्छी यूजफुल कि जिनस अच्छी यूजलेस तो बेले बेले आम कौन करती ना कचरा बाला को डाक कि जो जे नि सब लुहा लता बाला देखु समस्त सका सका आसती लुहा पेपर ये सब लेकिन जाती दिन से सब जिन कहीं कारण से सब आम यूजलेस आम किसी नेसेसरी ना सेमती डीएनए रे मध्य जो कोडिंग होची जो प्रोसेस होची डीएनए एप्लीकेशन होची ट्रांसक्रिप्शन होची तो से गोटे रही कोडिंग पार्ट आ गोटे रही नॉन कोडिंग पार्ट कौन नॉन कोडिंग पार्ट कौन आम घरे जमी बहुत नेसेसरी एंड अननेसेसरी जिनस मिसिक रोचे आम आइडेंटिफाई करोटा अननेसेसरी जिनस काढ़ फिंगी दौरान सेमती डीएनए रे जो ट्रांसक्रिप्शन हो कोडिंग हो केवल कोडन रही आवश्यकता रही तो कितु डीएनए आम बहुत कोडिंग आउ नॉन कोडिंग पार्ट मिसिक रही एबे कौन हम ना नॉन कोडिंग पार्ट को आमको काढ़ा हम तर ना रही कौन कौन ना देखा
डीएनए रे बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट रहिछि। कोडिंग रा ना होछि यूक्रोमैटिन, नॉन कोडिंग रा पार्ट होछि ना होछि हेटेरोक्रोमैटिन। एथि मन रखिया पे आउ टिके इजी कर दोछि। कोन यू? यू माने ट्रू, जेमति कि समस्त पढिथिबे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया छथि। यू माने कोन? ट्रू। ट्रू मींस जे सब प्रकार रा कैरेक्टरिस्टिक देखाए आमे तार प्रीफिक्स रे यू ई यू जोग करथान। जदि जे कोनोसी वर्ड रे प्रीफिक्स रे ई यू देखिबे आपण लिखा है, दैट मींस से हो जे गोटे ट्रू थिंग। सपोज जेंते मे कोनो यू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया गोटे बैक्टीरिया रो सब प्रकार कैरेक्टरिस्टिक को भल भाबरे शो ऑफ करछि, ताको हम कहचंती यू बैक्टीरिया बट ट्रू बैक्टीरिया। सेंते हम यू क्रोमैटिन काहे कहचंती, काहे कि ना डीएनए रो जो पार्ट कोडिंग रहउछि ताको हम कहचंती यू क्रोमैटिन, दैट मींस से ट्रू क्रोमैटिन। से ही होछे कोडन पार्ट, नॉन कोडन पार्ट के बा नॉन कोडिंग पार्ट के हेटेरो क्रोमैटिन। तो जे कोडिंग करउछि से होछि यू क्रोमैटिन, जे कोडिंग न करउछि नॉन कोडिंग अननेसेसरी पार्ट ताको हम कहचंती हेटेरो क्रोमैटिन। ओके, एबे क्लियर? यू क्रोमैटिन, हेटेरो क्रोमैटिन, यू होछि कोडिंग, हेटेरो होछि नॉन कोडिंग। फाइनल एबे जिबा एचएन आरएनए। मैक्सिमम पिला प्लस 2 टाइम रे केवल आरएनए बिषय जानछन, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। एचएन आरएनए मैक्सिमम पिला जानी नाहंती। एचएन आरएनए होछ गोटे एक्सेप्शनल आरएनए जे कि से सेम डीएनए उपरे सिंथेसाइज होय। जेमते हम डीएनए रो आरएनए फॉर्मेशन करछन, ट्रांसक्रिप्शन, ताको हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करछन, सेमती डीएनए रो मध्य एचएन आरएनए फॉर्मेशन हेते। एचएन कोन? हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए। एट लिखा जाय छे हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए इज एचएन आरएनए व्हिच इज सिंथेसाइज्ड अपॉन डीएनए, सिंथेसाइज्ड अपॉन डीएनए। ये मध्य दो प्रकार रहिछ, गोटे रहिछ इंट्रॉन्स, गोटे रहिछ एक्सॉन्स। जेमती एठिया पढ़ले कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट, सेमती हमर एचएन आरएनए रे जो एक्सॉन एंड इंट्रॉन अछंती से माने मध्य तांको भितर जणे होछि कोडन आ गोटे होछि नॉन कोडन। जणे कोडिंग करउछि आ जणे नॉन कोडिंग पार्ट बा अननेसेसरी नॉन फंक्शनल पार्ट बोली हम ताको कहउछंती। तो एक्सॉन कोन, इंट्रॉन कोन, या बिषय में डिटेल्स रे जानिबा। केते बेले जानिबा त हम स्प्लाइसिंग पढिबा, जीन स्प्लाइसिंग पढिबा बा डीएनए स्प्लाइसिंग पढिबा। से स्प्लाइसिंग समय रे ही हम बहुत डिटेल्स रे पढिबा एक्सॉन कोन, इंट्रॉन कोन, तार फंक्शन कोन, यार फंक्शन कोन, मन को हम केमिते कट करके बाहर करिबा, इच एंड एवरीथिंग हम डिटेल्स रे पढिबा। जेतु वीडियो लॉन्ग हे जाय छै त हम आजकर वीडियो को एठे एड करूची। नेक्स्ट क्लास रे हम समस्त स्ट्रक्चर पढिबा, एमआरएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर, टीआरएनए स्ट्रक्चर विथ डायग्राम, जो थे कि आपनकर पूरा फंडा क्लियर हो। तो तीन मार्क रो गोटे थुआ क्वेश्चन आपण मानको आसीबो ही आसीबो। टीआरएनए मैक्सिमम एग्जाम रे आसे विथ डायग्राम। सो मु डायग्राम सहित बहुत भलसे नेक्स्ट क्लास रे बुझे देबी। आई होप कि आज समस्ते टोटल वीडियो को बुझी पारथिबे। हमर आरएनए कोन बा हमर राइबोन्यूक्लिक एसिड कोन, तार केते प्रकार टाइप्स अछि, कोन कोन डायग्राम अछि, सब किछ बहुत भल भाबरे बुझी पारथिबे। जानतु नोट्स लेखंतु, नोट्स लेखि के प्रैक्टिस करंतु। एंड ये सीबीसीएस पैटर्न ऑफ बुक समते इशू करके आनंतु। जदि लाइब्रेरी रु सरी जाय छै ताले बाहर किणि दियंतु बही। केपी बुक, केपी होछि हमर जहा भी सीबीसीएस पैटर्न बही रहछि से होछि हमर केपी रो कल्याणी पब्लिशर। ताको किणंतु, प्रैक्टिस करंतु। एंड एंट्रेंस पे फॉरेन ऑथर बुक मो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दे छी। एंड यस, जो माने जानि नहंती टेलीग्राम चैनल विषय मु कहि रखु छी, फर्स्ट टाइम वीडियो देखछंती, पीएम बाय बसन एकेडमी गोटे टेलीग्राम चैनल मध्य अच्छे जो थे कि आपको टोटल फ्री नोट्स, फ्री बुक सब अवेलेबल कर दी। बहुत आगर मुझे सब नोट्स अपलोड कर दे, फिफ्थ सेमिस्टर सब नोट्स, बटनी नर्स, जुलोजी नर्स, समस्त सब कोर पेपर, डीएससी पेपर सब मुझे अवेलेबल कर दे नोट्स टेलीग्राम रे। जातु जॉइन करूँ पीएम बाय पैशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल। एंड सब नोट्स को लिखि रखु, जमा भी प्रिंट बाहर करूँ, लिखिले लेखा स्पीड हम, प्राक्टिस हम, एग्जाम बेस्ट आपड़ करके आसपे। सो लिखु एंड आज जहाँ पढ़ेली ताको लिखु, प्राक्टिस करूँ। का देखा हाँ ये सेम टाइम 6:30 to 8 भितर। से वीडियो देखता एंड वीडियो यदि भल लगुच प्लीज 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 लाइक करूँ, जिते पार्टी सेयार करूँ एंड सांग सेयार करके सब्सक्राइब भी करूँ। थैंक यू।